नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर LHTV इंडिया में। आपको बता दें, मौसम को लेकर अभी एक रिपोर्ट निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश में अभी बरसेगी आफत की बारिश, कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। तो चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत और किन किन राज्यों में अभी जमकर बरसेंगे बादल और क्या है उत्तर प्रदेश को लेकर ताज़ा अपडेट। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मानसून फिलहाल विदा लेने के मूड में नहीं है। अब मानसून की विदाई का समय आया तो बंगाली खाड़ी पर कम दबाव का क्षेत्र बनने लगा। ऐसे में पूर्वी यूपी से लेकर लखनऊ और आसपास के जिलों में अगले 24 से 36 घंटे तक बारिश का सिलसिला अभी चलता रहेगा। इसी बीच आपको बता दें कि बीते कुछ समय पहले कई क्षेत्रों में बारिश हुई तो कई जगह बौछारें पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार ये बारिश मानसूनी हवाओं की सक्रियता से हुई। अमौसी स्थित मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाली खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और ये अगले 48 घंटों में ये सक्रिय होगा। इससे मानसूनी हवाओं को मजबूती मिलेगी। ऐसे में आपको बता दें, अगले 2-3 दिनों तक बारिश होगी। अमौसी मौसम केंद्र के अनुसार आज बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर गरज चमक साथ बौछारें पड़ेंगी। आज अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी बीच आपको बता दें कि यह भी खबर आ रही कि मानसून की ट्रफ लाइन से बदला है मौसम। पूर्वी यूपी में मानसून सक्रिय है। मौसम में ये बदलाव मानसून की ट्रफ लाइन के कारण हुआ। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पश्चिम पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए ट्रफ लाइन दक्षिणी यूपी से गुजरकर बंगाली खाड़ी तक जा रही है। ये ट्रफ लाइन ऊपर आपको बता दें शिफ्ट हुई है, जिसका असर पूर्वी यूपी पर पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, वहीं कुछ हिस्सों में हल्की बौछारें गिरी। इसके कारण आपको बता दें, मौसम विभाग ने महज 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आपको बता दें, गोलगढ़, बेतियाता, रिपोर्ट कॉलेज, रेलवे कॉलोनी, बरगवा, धर्मशाला मेडिकल कॉलेज, हुमायूंपुर, मोहद्दीपुर, नौसल, तारामंडल क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। आपको बता दें, ये भी खबर आ रही कि बड़ा गैसों का घनत्व, गरज रहे हैं बादल। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ऊपरी वायुमंडल में गैसों का घनत्व बड़ा है। इसका असर बादलों के गरज चमक पर पड़ा है। बादलों की गरज चमक में वृद्धि हुई है। मौसम विशेषज्ञ KC पांडे ने बताया कि दक्षिणी यूपी से गुजर रहे ट्रफ लाइन के कारण आने वाले 3-4 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे, लगातार झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। इसी बीच आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के आसार हैं। वहीं गुजरात और राजस्थान में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन सभी राज्यों में आपको बता दें, आज फिर भारी बारिश शुरू होगी। इसी बीच आपको बता दें, बारिश का सिलसिला अगले 2 दिनों तक चलता रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं उत्तरी महाराष्ट्र में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वीडियो के आखिर में आपको बताते चले कि आज मौसम विभाग ने सोनभद्र, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी में बादल बने रहने और कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश और बिजली गिरने का खतरा रहने की संभावना जताई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें।